तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप। हालांकि हमारी फॉर्मूला चल रही थी, बट फॉर्मूला को हम स्किप करके हम बात कर रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी की। डेटा कनेक्टिविटी मतलब कि डेटा टाइप। मैं एक्सेल में आता हूँ, इस डेटा टाइप के बारे में हम बातचीत करते हैं। इसका यूज बेसिकली होता क्या है, चलिए इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है गेट डेटा, तो हम गेट डेटा के ऊपर बढ़ते हैं। तो गेट डेटा मतलब कि हम किसी और सिस्टम से डेटा कैसे लेंगे, हम इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक मेरा सिस्टम खुला हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हमारा सब बात करेंगे डेटा में। तो हम बात कर रहे हैं एक्सेल से एक्सेल की डेटा कनेक्टिविटी का। जैसे आपके सामने ये डेटा आपको दिख रहा है, ये डेटा मेरा है, राइट। अब मान लीजिए कि एक्सेल से एक्सेल की लिंकिंग हम क्यों करते हैं, एक्सेल से एक्सेल की लिंकिंग हम करते क्यों है, इस जाके जान लीजिए। अभी क्या होता है कि मान लीजिए कि हमें इस डेटा को इस शीट पे लिंक करना है। तो आपको मैंने क्या बताया था लिंक करने का तरीका, कि आप इक्वल प्रेस करें, सेलेक्ट करें। मैं शीट टू शीट दिखा रहा हूं, बट फाइल टू फाइल भी होता है, ठीक है। फिर ड्रैग करें या कॉपी पेस्ट करें। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका डेटा लिंक हो जाता है। एक तो फॉर्मूले लगने के कारण एक काफी ज्यादा हैवी हो जाता है, काफी ज्यादा बड़ा डेटा हो जाता है। और दूसरा, डेटा अगर आपके रिसाइज होता है, डेटा, तो फिर आपको बार बार उसको नीचे कॉपी पेस्ट करना होता है। कम होता है तो जीरो हो जाता है तो डिलीट करना होता है। समझे जी, ठीक है। तो कैसे करें, तो उसके लिए हम यहां गेट डेटा पे यूज करते हैं। गेट डेटा पे जाते हैं, फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक। गेट डेटा फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम अपना डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट किया। ये बता रहा है प्रोसेस टू एक्सेस डेटा। ओके, हाँ ये सेम सीट पे है, इसलिए नहीं हो रहा। मैं डिफरेंट सीट पे लेके जाता हूँ। आज आपका सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, आहिस्ता 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 चीज हो रही है। ओके, अब दिख रहा है सिस्टम मेरा। हाँ जी, तो डेटा मेनू बार में गए, हाँ जी, गेट डेटा पे गए, हाँ जी, फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक। मैंने नया सिस्टम डाला है ना, सब कुछ अपलोड हो रहा है सर, इसलिए सर वो पहले वाला सिस्टम का विंडो करप्ट हो गया, तो नया विंडो डाला। उसके बाद हमने जो डेटा लिंक करना है उस डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया, दैट इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद एक कनेक्टिविटी दिखाएगी, उसके बाद आपको यहां पे बताएगा कि इसमें से कौन सा सीट चाहिए। तो नेविगेटर टैब खुल गया, दिख गया सर। इस नेविगेटर टैब में सीट वन का डेटा हमें चाहिए, हमने सीट वन पे क्लिक किया और यहां पे डेटा हमें दिख गया। देन हम इसको लोड एंड क्लोज, सिंपल लोड पे क्लिक कर दीजिए। लोड पे क्लिक होते ही ये डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आपके सामने। आ गया सर, ठीक है। अब ये डेटा जो है हमारे उस डेटा सीट से लिंक है। अगर वहां कुछ चेंज होता है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो जस्ट रिफ्रेश मार दीजिए, अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल से एक्सेल की कनेक्टिविटी हम यहाँ पे करते हैं। हालांकि ये कनेक्टिविटी हम ऐसे नहीं करते, इस कनेक्टिविटी को करने के लिए हम पिवट वगैरह के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए आपको किसी और सिस्टम से, किसी और शीट से आपको पिवट लगाना है और आप चाहते हैं कि मैं डेटा बार बार चेंज ना करूं, बार बार डेटा चेंज ना करूं, तो उस केस में हम इस मेथड का यूज करते हैं।
कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें पिवट का ऑप्शन तो आया नहीं। तो आपको यहाँ जब आप डेटा मेनू में जाएंगे, गेट डेटा पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक पे आते हैं, आपने अपना डेटा को सिलेक्ट किया, इंपोर्ट किया, और यहाँ सीट वन को हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे लोड आपको दिख रहा है ना, लोड के साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इसको जब ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आएगा लोड टू, इस लोड टू पे क्लिक कीजिए। जैसे लोड टू पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ दिखेगा टेबल, पिवट टेबल रिपोर्ट, पिवट चार्ट और या ओनली क्रिएशन। हम यहाँ पे पिवट टेबल रिपोर्ट क्रिएट सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारा पिवट टेबल लग गया। तो हम यहाँ पे अपनी पिवट टेबल एक्सटर्नल डेटा सोर्स से लगाया और हमने इसका यूज किया और ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश भी होगा और इसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ डेटा मेनू में जा लेंगे तो यहाँ पे क्यूरी कनेक्शन में प्रॉपर्टीज दिखेगा सर। तो इसकी प्रॉपर्टीज में आइए, डेस्टिनेशन में यहाँ पे बहुत सारे हैं, फाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप हर बैकग्राउंड रिफ्रेश दिख रहा है आपको, हर मिनट रिफ्रेश यहाँ लगा सकते हैं कि एक मिनट में या पांच मिनट में फाइल मेरा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए, फाइल जब ओपन करूँ तो रिफ्रेश हो जाए, ये चीजें यहाँ हम कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। अब अगर हम बात करें अनदर एग्जांपल की, तो हमने एक्सेल से एक्सेल को कनेक्ट किया फ्रॉम फाइल, उसके बाद आता यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी, दिख रहा है आपको? मतलब अगर आपका फाइल नोट पैड में, बात समझ रहे हैं सर? आवाज कट रही है सर जी। सॉरी, मैं आवाज रही है, आवाज क्लियर? हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सर क्लियर? जी आ रही है। ओके सॉरी सर। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास नोट पैड की फाइल हो, अब नोट पैड की फाइल वर्कबुक में, इसमें इस वर्कबुक में कोई भी वर्कबुक हो सकती है, कोई भी एक्सेल डेटा लिंक कर सकते हैं, किसी भी तरह का एक्सेल डेटा, कोई भी डेटा लग सकते। ठीक है, ठीक है सर। इनके शीट टू शीट भी होता है ना सर? हाँ हाँ, इन वो सेम वर्कबुक अदर शीट्स, नहीं सेम वर्कबुक अदर शीट करते हैं तो उसका अलग रूल है, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे क्योंकि वो अगर आप यूज करते हैं 2016 तो उसमें होता है, क्योंकि इसमें अगर आप ऐसा करते हैं जैसे देखिए फ्रॉम फाइल, मैं एक बार फाइल ओपन करता हूँ, मैंने इस डेटा शीट को यूज कर लिया, राइट? एक ये हमारा सेव है। अब मैं सीट वन पे डेटा है और सीट सिक्स में मैं इसको लाना चाहता हूँ। डेटा मेनू बार में जाते हैं, फ्रॉम फाइल हम एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारा डेटा वन हमने सिलेक्ट कर लिया, डेटा वन, और इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है सर? यस सर। क्यों? क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी ओपन है, यूज दिखा हुआ डेटा ऑलरेडी यूज, तो उसमें प्रॉब्लम है। 2016 वगैरह में, 2016 वगैरह है उसमें हम लोग इसका यूज करते थे तो कोई दिक्कत नहीं था। एक मिनट, मैं इसको तो किसी अनोदर जगह पे इसको करते हो तो इसका यूज कर सकते हैं, सीट टू सीट। ठीक ठीक है, बट 2016 वगैरह में इसका इस्तेमाल हो जाता है।
फ्रॉम वर्कबुक समझ में आ गया आपको? ठीक है सर। जी को डाउट है आपको? नहीं नहीं सर, ठीक है सर। तो एक शीट से दूसरे शीट में कैसे जाएगा सर? एक शीट से दूसरे शीट में इसी तरीके से जाता है, लेकिन वो 2016 था, 2019 में ऑफिस की C2Y में जो डिसेबल कर दिया सर। या दूसरा तरीका एक और है, यहाँ पे अदर सोर्सेज में यहाँ आपको दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, इसके जरिए भी हम करते हैं, समझे? अदर सोर्सेज में माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी है, तो इसमें हम शायद कर सकते हैं एक्सेल फाइल, ठीक। और हमने डेटा वन सिलेक्ट कर लिया, देन ओके। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन पे आए सिस्टम टेबल को विजुअल कर दें, सीट को सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। तो हैंग हो गया, और यहाँ पे टेबल चाहिए, पिवट टेबल चाहिए, जो चाहिए सेलेक्ट कर लीजिए। ये सीट टू सीट हो गया सर। तो सीट टू सीट समझ में आ गया आपको? सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है सर आपका ना, वो रुक जाता है दरमियान में। नहीं अभी तो रुका हुआ है, अभी तो अभी दिख रहा है सर? हाँ जी, समझ में आ गया ना आपको कैसे हुआ? मैं दोबारा बताऊं? रिपीट कर दें एक बार सर प्लीज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां हम इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट नहीं सॉरी, इसमें डेटा मेनू बार में जाएंगे, गेट डेटा में अदर क्यूरी के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी दिख रहा है सर? ठीक है, सही है। इस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे एक्सेल फाइल, ठीक है। इसके बाद आप उसके ओके कीजिए, ओके करने के बाद जो है यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करना है। अपना फाइल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ड्राइव चेंज कर सकते हैं, ऊपर से फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर? ठीक है, एंड ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो एरर दिखेगा, नो सिस्टम टेबल, नो विजुअल टेबल। तो उस केस में आप ऑप्शन पे जाएंगे और सिस्टम टेबल पे क्लिक कर देंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और सिस्टम टेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है सर? ठीक है सिस्टम। उसके बाद जो सीट का डेटा चाहिए उस सीट को देखेंगे कि यहाँ पे फिल है, सारे फिल चाहिए तो यहाँ से ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ फिल आएगा। अगर कोई फिल नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर दीजिए फिलहाल, ठीक है। आपका सीट टू सीट लिंक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये फर्स्ट टाइम हैंग हो जाता है सर। हाँ, यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करें एंड ओके कर दें। अब समझ आ गया आपको? ठीक है सर, ठीक है। जैसे कि मैं अपने डेटा में कुछ ऐड करता हूँ, जैसे मान लीजिए ना यहाँ पे मैंने 797 किया, आज का डेट डाला पुनीत, अब जैसे यहां देखिए आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। सबसे नीचे आते हैं, नहीं आया रिकॉर्ड, ये ऐसे नहीं आएगा, जैसे पिवट टेबल में आपको रिफ्रेश करना होता है ना, ऐसे यहां भी आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करते ही आ जाएगा। ठीक सर, ठीक है। और अगर घटता है तो ऑटोमेटिक घट भी जाएगा, अगर मान लीजिए हमने डिलीट कर दिया, और फिर रिफ्रेश कीजिए, यहां पे रिफ्रेश, घट भी गया
सर अगर इनके तुम मनी शीट्स में था ना, मतलब मेरा तो एक कैश बुक है, मनी ग्रांस है, पर हम लोग कनेक्ट करेंगे ऐसा ऐसा कुछ इंडिकेशन है ना कि फर्स्ट पेज है ये, सेकंड पेज है हमारा ये, थर्ड पेज है, कुछ इंडिकेशन है इन लिंक्स में और नहीं? नहीं कोई इंडेक्स नहीं। यहाँ देखिए आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो इस तरह से है, जो आपका फॉर्मेट है ये आपका टेबल फॉर्मेट में हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेबल फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट में मतलब कि लिंक, अगर लिंक जब भी होता है टेबल फॉर्मेट में होता है, और लिंक कहाँ से अच्छा इस चीज को देखना है तो डेटा मेनू बार में जाए, कनेक्शन यहाँ या क्यूरी एंड कनेक्शन पे आए, और यहाँ पे हाँ आपको दिखा देगा कि क्या है। इसकी राइट क्लिक करके फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, इसमें प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक कीजिए प्रॉपर्टीज, तो यहाँ आपको बता देता है कि ये कहाँ से लिंक है। ठीक है। अच्छा कुछ इंडिकेशन नहीं है मतलब, क्योंकि मेरा मनी पेज से है ना। नहीं इनको इंडिकेशन नहीं आएगा, टेबल फॉर्मेट में कोई इंडिकेशन नहीं आएगा आपको। ओके सर, थैंक यू। ये पॉसिबल है कि हम इसको सेम, क्योंकि जब हम जिस फाइल के साथ लिंक कर रहे हैं हम चाहते हैं कि उसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम हो टेबल की। तो फॉर्मेटिंग आप यहाँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर दीजिए, फिर पेज फॉर्मेटिंग कर दीजिए। ऐसा नहीं कि टेबल जाए उसका फॉर्मेटिंग फिक्स होता है, टेबल एक अपना डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग लेके आता है, इसके बाद आप अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसको फॉर्मेटिंग क्या करें। लेकिन हम इसको टेबल में क्यों कर रहे हैं सर? बिकॉज मैं ये क्वेश्चन ये है टेबल कि में हम हम नहीं उसको करते हैं, ऑटोमेटिक टेबल में आ जाता है। ये नियम मतलब एक रूल है कि एक्सेल जब भी डेटा लिंक करता है तो टेबल फॉर्मेट नहीं करता है, क्योंकि वो टेबल को कनेक्टिविटी में डेटा वो कहाँ डालेगा तो उसको पाथ देना पड़ जाएगा ना, कि A1 से AG, F1 G1 वगैरह, बढ़ेगा घटेगा तो पाथ बढ़ाना घटाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोग्रामर ने सेट कर दिया है कि टेबल फॉर्मेट में ही नहीं लिंक होगा, क्योंकि हर टेबल का एक अपना नाम होता है, देखा आपको नाम इसका है। लेकिन सर जब हमने पहले लेसन हमने स्टार्ट किया हमने कहा था कि जब फॉर एग्जांपल हम शीट 3 में चले जाएं, ठीक है सर, ठीक है शीट 3 में चले गए, अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं और शीट 1 पे चले जाएं तो देखिए हाँ तो वो तो इक्वल का फॉर्मूला के साथ आपका लिंक है ना, पहले बार जो मैंने बताया आपको ये फॉर्मूला लिंकिंग है, तो आपको फॉर्मूला वाले में फॉर्मूला दिख जाता है ना, तभी तो इसको बढ़ाना घटाना पड़ जाता है। अगर आपका डेटा बढ़ता है तो आपको मैनुअली बढ़ाना होता है, घटता है तो मैनुअली घटाना पड़ता है, इसीलिए तो बाउंडेशन है वो। नहीं, मैनुअली बढ़ाना घटाना कैसा पड़ेगा? जब हम शीट 1 में कुछ चीज चेंज करेंगे तो सर शीट 3 में चेंज ऑटोमेटिक। करेंगे तो जितना एरिया है ना, मान लीजिए कल के डेट में डेटा इंक्रीज होता है तो आपका यहाँ फॉर्मूला इंक्रीज थोड़ी हो जाएगा। सर हम जब पूरी पूरी शीट अगर सर सिलेक्ट करें फुल तब उधर फुल कुछ भी नहीं सीट डाटा। कर लेंगे, नहीं तो फुल सीट कर लेंगे तो फिर आपका पूरा एक पूरा का पूरा शीट करना पड़ जाएगा, तो आपका एक्सेल इतना बड़ा हैंग, काफी ज्यादा बड़ा फाइल हो जाएगा, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 16,000 का लिंक लग जाएगा, तो इतना बड़ा डेटा हो जाएगा कि नहीं हमें पता है कि सर हम कौन से कॉलम तक डाटा डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे मैक्स जो है कॉलन हो गई ना, सर, रो की हम बात कर रहे हैं आपकी। मैं उधर भी आ रहा हूँ सर, कॉलम फॉर एग्जांपल M तक है, मुझे पता है कि मेरा डाटा कॉलम M तक जाएगा मैक्सिमम, और हाँ यहाँ पर जो है जो रो में है हाँ मैं मैक्सिमम वो वन थाउजेंड चीज रो तक तो जाऊंगा या 1500। समझ गए हैं, तो वो चीज तो आप कर सकते हैं, बाकी में 0-0 रहेगा ना फिर वो, और जो ब्लैंक सेल होगा उसमें 0-0 रहेगा, ठीक। पिवट वगैरह लगेगा तो उसको रीड कर लेगा, ब्लैंक तो कर देगा, जीरो काउंटिंग बढ़ा देगा, बहुत सारे प्रॉब्लम है ना सर। तो फिर वो 0 को हम उसकी वो फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, कस्टम फॉर्मेटिंग सर 0 तो फॉर्मेटिंग नहीं। कर देंगे लेकिन विजुअल एक्चुअल तो रहेगा ना, पिवट लगाएंगे आपने 0 काउंट किया, आपको 0 वाला देखना है तो काउंट बढ़ जाएगा ना आपका। ठीक। तो प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसको सजेस्ट आपको नहीं कर रहे हैं, वो सजेस्ट होता है छोटा सा समरी पे, जो 10-20 का समरी है उस पे फिक्स होता है, वो लिंक अच्छा होता है, लेकिन सीट टू सीट पूरी डेटा को किसी डेटा से लिंक करते हैं तो ये मेथड उसके लिए बेनिफिट होता है। हालांकि आप उस मेथड को भी यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप जैसे मर्जी करें, आपको मैंने ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन के दोनों में जो जो खामियां हैं जो बेनिफिट है वो बता दिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड यूज करें। क्या सिर्फन जी ठीक है। सर, और ऐसा भी होता है ना मतलब, अगर सेपरेट हम लोग किए कनेक्ट किया फिर हम लोग मूव कर सकते हैं ना उनको, हाँ कर सकते हैं। वो जो डेटा का हम लोग लिंक किया। जी, एक बार ट्राई करके देखिएगा ना, आप ट्राई करके देखिए, जहां प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़े।
अब हम फाइल में, हम यहाँ गेट डेटा के ऊपर फ्रॉम फाइल में हम बात करते हैं टेक्स्ट की, नोट पैड की फाइल, नोट पैड की फाइल या सी एस वी फाइल। जैसे बहुत सारे वेबसाइट से डेटा जो आप डाउनलोड करते हैं तो सी एस वी फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, समझ गए। या कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही लार्ज डेटा जो होता है, मान लीजिए कि 10 लाख 15 लाख रो का डेटा है, तो उसको अगर हम एक्सेल में फॉर्मेट करके एक्सेल में डाल के भेजते हैं तो फाइल काफी बड़ी हो जाती है। तो सम केसेस में हमारे टेक्स्ट फाइल में नोट पैड के फाइल में डेटा मिलता है। तो नोट पैड के फाइल को अगर हमें डेटा मिला तो उसको डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये डेटा है, इसी डेटा को लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और नोट पैड पे जाता हूँ। अब मेरा ये डेटा है और मुझे इस डेटा को अपने एक्सेल शीट पे लाना है ताकि मैं इसे एनालिसिस कर सकूं, कैलकुलेशन कर सकूं और बहुत सारी चीजें कर सकूं। बट ये डेटा हमें मिला है नोट पैड पे, ओके। तो आप पहले आप देखेंगे कि जो आपका डेटा है वो डेटा कौन सा बेस्ड है, टैब बेस्ड है या कॉमा बेस्ड है। आपको समझ में आ रहा होगा टैब बेस्ड क्या होता है, कॉमा बेस्ड क्या होता है? नहीं सर, हेलो, नहीं सर, मुझे नहीं पता सर। अब बताइए आईडी और डेट के बीच में क्या है, टैब या कॉमा? किसके सर? आईडी और डेट के बीच में, या डेट या नेम के बीच में, या नेम या सिटी के बीच में, मैं कॉलम टू कॉलम में सेपरेशन किसका है, टैब का है या कॉमा का सर? टैब का। हाँ, तो ये टैब बेस्ड फाइल हुआ, कॉमा कराता था कॉमा बेस्ड फाइल होता। ठीक ठीक, समझे कि नहीं? ठीक है। मतलब एक टैब से दूसरे, देखो एक टैब में एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में अगर कॉमा सेपरेटेड हुआ, जैसे बहुत सारे टैली है, बहुत सारे फाइल है जो कि इस तरह से होते, इस तरह से, जिसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड फाइल, समझे? ठीक ठीक ठीक। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपका टैब टैब बेस्ड है या कॉमा बेस्ड है। अब मुझे इस फाइल को लेना है तो एक चीज मुझे पता चल गया कि कॉमा बेस्ड है, तो फिर मैं यहाँ पे फ्रॉम फाइल या डायरेक्ट यहां से भी क्लिक कर सकता हूँ, फ्रॉम फाइल पे जा सकता हूँ। अपना डेटा सेलेक्ट किया एंड इंपोर्ट कर दिया। अब यहां पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कॉमा बेस्ड है, मतलब कि टेक्स्ट टू कॉलम्स को कहा जाता है, कॉलम जो है कैसे सेपरेट करेगा, कॉलन है, कॉमा है, इक्वल साइन है, सेमी कॉलन है, स्पेस है, टैब है, क्या है, या कोई कस्टम फील्ड। हमने बोला यहाँ पे टैब है, यहाँ मुझे इसका प्रीव्यू दिख गया, मैं संतुष्ट हो गया, देन इसको लोड एंड क्लोज कर दी। ओके, समझ में आया कप्तान जी? हाँ जी सर। तो आप इसी तरह से नोट पैड की डेटा को एक्सेल में ला सकते हो। अब यहां हम वापस आते हैं फॉर्म फाइल में, XML, JSON, PDF की फाइल लेके आ सकते हैं आप। अब PDF फाइल देखिए, XML और JSON फाइल तो मेरे पास है नहीं, PDF बारे में बताता हूँ आपको। जैसे मैंने इसी फाइल को लिया और हमने इसको एक्सपोर्ट PDF कर दिया, क्या हो रहा है?
अब मुझे इस पीडीएफ फाइल जो मैंने लोड किया है उसको मुझे अपने एक्सेल डेटाबेस चाहिए। तो पहले क्या था, 2016 से पहले क्या था कि हमें पीडीएफ एडिटर लेना पड़ता था या फिर बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके पीडीएफ कन्वर्टर हम लोग डाउनलोड करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ क्या करें, फ्रॉम फाइल में फ्रॉम पीडीएफ पे चले जाए, ओके। और पीडीएफ में जाने के बाद यहां अपना पीडीएफ सेलेक्ट करें एंड इंपोर्ट। बट यहां एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि जो लिंक होता है वो पेजेस के हिसाब से हो जाता है। तो एक डेटा है जिसमें 15, देखिए कितने पेजेस आ गए, दिख रहा है आपको सर? हेलो, अब आपको वन बाय वन पेजेस को लेना पड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें कई सारे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि डेट को नहीं रीड किया, किसी में डेट को रीड किए हुए, किसी में डेट को रीड नहीं किए हुए, दिख रहा है सर? तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम लोड, यहाँ पे लोड एंड लोड टू आ रहा है, लोड टू ना करके यहाँ हम ट्रांसफॉर्म पे जाना पड़ेगा हमको इसको, बट ट्रांसफॉर्म में आया तो हमने एक गलती कर दिया, हमने एक ही टेबल को सिलेक्ट किया था। मैं समझे कि नहीं सर? हमने एक ही पेज को सिलेक्ट किया था, यहाँ गलती हो गई। अब इसको हम हटाते हैं और दोबारा से लोड करते हैं, गेट फ्रॉम पीडीएफ, और यहां हम डेटा वन को सिलेक्ट करके इंपोर्ट करता हूं। यहां पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम दिख रहा होगा, तो जितने पेजेस हैं सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। सबको सेलेक्ट कर लेके फिलहाल जो है सबको सेलेक्ट करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाता है, हम फिलहाल जो है तीन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म में करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म आप करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा पावर क्यूरी, जी हाँ पावर क्यूरी, ठीक है। पावर क्यूरी में फिर ये डेटा तीनों, मुझे तो डेटा तीनों इकट्ठा चाहिए ना सर, तो यहां पर आपको क्यूरी दिखा, यहाँ पे अपेंड क्यूरी दिख रहा होगा, अपेंड क्यूरी पे क्लिक कीजिए। ये उससे पहले यहाँ देखिए आपका नेम वगैरह रीड नहीं किया हुआ है, आप यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आईडी कर दिया, डेट है, नेम है, ऐसे चेंज कर सकते हैं आप अपने फील्ड को। ये बैकएंड में हो रहा है, एक्चुअल डेटा आपका चेंज नहीं हो रहा, पीडीएफ चेंज नहीं हो रहा है आपका। फिर यहाँ पे अपेंड क्यूरी में आइए, अपेंड क्यूरी में थ्री एंड मोर टेबल पे क्लिक कीजिए, इसको लीजिए, करेंट आ गया, इसको ऐड कीजिए, इसको इसके नीचे वाले को ऐड कीजिए एंड ओके कर दीजिए, एंड उसके बाद लोड एंड क्लोज कर दीजिए। आपका जितना ही पेजेस होगा एक के नीचे कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा। समझ में आया सर आपको? जी सर। जब पीडीएफ से आप करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे आप। तो पीडीएफ को एग्जैक्ट कर लेता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक कर देता है, कुछ ही चीजों पे दिक्कत होती है, बाकी सब ठीक होता है, ठीक है। पीडीएफ में दिक्कत होता भी है, पहले से भी इसका दिक्कत होता है, इसको डिलीट करता हूं। अब हम बात करते हैं फ्रॉम फोल्डर, फ्रॉम फोल्डर, फ्रॉम फोल्डर के लिए मुझे थोड़ा सा डेटा बनाना पड़ेगा। तो आपके सामने हम कुछ डेटा बनाते हैं एक नई फाइल में, हम्म,
यहाँ एक डाउनलोड है, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ उनके। उसके बाद मैं वापस अपने डाउनलोड में आता हूँ, फोल्डर में जाता हूँ और इसकी कई सारे कॉपी बना देता हूँ। पांच है अब ये पांच मुझे अलग अलग जगह से डेटा आया हुआ है और इसमें इंक्लूड होते रहते हैं। जैसे आपके मान लीजिए ना कि हर डेट एक डेटा, एक आपका सेल्स डेटा आता है और उसको आपको हमेशा मास्टर डेटा में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो उस केस में आपका पावर क्यूरी बहुत ही बेनिफिट वाली चीज होगी। ये ऑटोमेटिक आपका कॉपी पेस्ट करते चला जाएगा। कैसे करना है, गेट डेटा के फ्रॉम फोल्डर में आ जाए और यहां पे आपको अपना फोल्डर चूज करना है। तो मेरा फोल्डर डाउनलोड के अंदर डेटा है ना, आपने ओके किया है ना, आप इसको ओके करें तो कुछ देर में आपको उस फोल्डर में जितने भी फाइल लिस्ट है आपको दिख जाएगा। अगर आपको जैसा फाइल लिस्ट है, आपको सिर्फ फाइल लिस्ट चाहिए तो लोड पे क्लिक कर दीजिए तो आपका फाइल लिस्ट आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कंबाइन करना, तो यहां आप कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करें। और यहां पे आपका जो है फाइल का लिस्ट आ जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, हो सकता है इसमें कोई ऐसे फाइल है इसमें कुछ फील्ड ना हो, तो जिसमें सारे फील्ड है उस वाले फाइल को आप सेलेक्ट कर लें, सीट को सेलेक्ट कर लें एंड यहां पे ओके कर दें। आप देखेंगे सारे के सारा डेटा यहां कॉपी पेस्ट हो जाएगा, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। आ गया सर, सिप्टेन जी समझ में आया आपको? हाँ जी। हेलो सिप्टेन जी। हाँ जी सर, समझ आ रहा है सर। लेकिन सर इसके अंदर ये तो डेटा था सर, आपने बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ, उसमें सब में जो रोज भी थे कॉलम भी थे सारा डेटा एक ही था। अब क्या है कि अब हमारे पास डेटा डिफरेंट है, मतलब एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है दुबई की लोकेशन का। इसका यूज होता है सेम टाइप के डेटा सेम है, लेकिन डेटा सेम टाइप का डेटा। जैसे मान लीजिए सेल्स डेटा आपका आता है तो सेल्स डेटा हर दिन तो आपका सेम टाइप का आएगा ना, डेट और डेटा ही चेंज होगा ना सर, हेडिंग तो ही होगा ना सेम टाइप के लिए। जी हाँ, सेम टाइप के डेटा। जैसे मान लीजिए सेल्स डेटा आपको आता है तो सेल्स डेटा में डेटा चेंज होता है पर टाइप तो वही होता है ना, कि आपका इनवाइस नंबर डेट कस्टमर नेम ही ना होता है आपका। ठीक है ठीक ठीक ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि मैं फोल्डर में गया, डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में गया, तो ये वन टाइम के लिए नहीं है सर। आप सोचेंगे कि इसको वन टाइम करें तो वन टाइम के लिए नहीं है, ठीक है ना। अब डेटा में मान लीजिए मैं यहाँ पे छठा फाइल यहाँ पे मेरा आया, छठे फाइल को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। आज मान लीजिए पांच दिन का फाइल था, छठे दिन मेरा एक नया फाइल आया और इसमें मैं अपना नाम चेंज कर दीजिए, टेस्ट में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल दिया। अब आपको अपने डेटा सेट पे जस्ट रिफ्रेश करना है, राइट क्लिक कीजिए। अब नीचे देखिए आपका
इससे क्या होगा कि आप मंथली क्रिएट कर रहे, ईयरली क्रिएट कर रहे, जैसे एक जनवरी से स्टार्ट हुआ पूरे साल चलता है, हर दिन डेटा आता है, आप उसके एक के नीचे कॉपी पेस्ट करे जाते हैं, कॉपी पेस्ट करे जाते हो, उसके ऊपर अपना रिपोर्ट वगैरह और बाकी चीजें बनती जाती है। तो उसमें क्या होगा कि आगे चल के जब मैं आपको डायनेमिक रिपोर्ट डैशबोर्ड से कराऊंगा तो आप इस तरह के डायनेमिक डेटा से कनेक्ट कर देंगे। बस सामने वाले को क्या करना होगा या आपको क्या करना होगा, जस्ट अपने डेटा को फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट करना है, ऑटोमेटिक कंबाइन कर लेगा और रिपोर्ट बना देगा। ठीक है, ठीक ठीक। तो इसमें प्रैक्टिस कीजिए, आज के लिए इतना ही, कल हम बात करते हैं आपके साथ, कल हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इससे आगे की चीजों पे, बट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय, थैंक यू।